वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ग्रामर का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग का बेटा फॉर्मेट क्या होता है, हम रिपोर्ट लिखते हैं, किसको लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है, राइट अ रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप हेल्ड इन आवर स्कूल। हमारी स्कूल के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, उसकी हमें रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट का मतलब आज जैसे कोई इवेंट हुआ है हमारे स्कूल में या कहीं भी, कल वो अखबार में आना है, तो वो किस फॉर्म में आएगा, रिपोर्ट की फॉर्म में। तो हम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग मतलब क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हो। जैसे इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, तो लिखेंगे ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप। कहाँ पर हुआ था वो, ये एट लिखना ज़रूरी नहीं है, एट आप रहने दो। कहाँ हुआ था, आपके स्कूल का नाम, जैसे श्री राम सतलो स्कूल सिरसा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर उसके नीचे लिखेंगे रिपोर्ट बाय, रिपोर्ट किसने लिखी है, अपना खुद का नाम। ये तीन चीज़ें याद समझ आ गई, ऊपर टाइटल, नीचे लोकेशन, उसके बाद उसके नीचे रिपोर्ट बाय, जिसने रिपोर्ट लिखी है उसका नाम। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे डेट। डेट लिखने का फॉर्मेट होता है पहले मंथ, फिर डेट और फिर कोमा, जैसे इसमें दिया है, और फिर ईयर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डेट, और उसके बाद उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन से क्या मतलब है कि अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल लास्ट संडे। अब रिपोर्ट के अंदर हमें क्या लिखना है, बहुत बड़ा ऐसे नहीं बनाना है, हमें मेन मेन पॉइंट्स लिखते हैं कि व्हेन वेयर हु, व्हेन वेयर हु मतलब कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कोई चीफ गेस्ट था तो उसका नाम किस, ठीक है, उसका नाम, और थोड़ा इवेंट के बारे में कि इवेंट अच्छा रहा है, उसमें ये चीज़ें हुई, और ये सब लिख के हमें एंड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले व्हेन एंड वेयर, उसके बारे में हमें लिखना है कि कहाँ हुआ और कब हुआ। तो पहली लाइन है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ हमारे स्कूल में लास्ट संडे। कहाँ हुआ हमारे स्कूल में और कब हुआ, लास्ट संडे को। तो व्हेन और वेयर हमने बता दिया। उसके बाद है ब्लड डोनेशन में क्या होता है, उसकी बेसिक नॉलेज हमने लिख दी कि डॉक्टर की टीम आई थी, ठीक है। उसके बाद हु, मैंने बताया था ना हु, ये देखो इनॉग्रेशन किसने किया, उसके बारे में लिखा हुआ है कि इनॉग्रेटेड बाय SDM ऑफ द सिटी। कोई भी इवेंट है उसमें कौन सा गेस्ट था, उसके बारे में आप लिख दो। उसके बाद इवेंट को थोड़ा सा दो तीन लाइन में एक्सप्लेन करो, जैसे टीचर स्टूडेंट्स और बहुत सारे फैकल्टी ने ब्लड को डोनेट किया और वो 5 बजे तक चला, ठीक है। उसके बाद सारे ब्लड डोनर को थैंक यू कहा गया, ठीक है। जो SDM हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दिए। तो इवेंट के बारे में 2-3 लाइनें एक्सप्लेन करके लिख दो। तो ये है आपका फॉर्मेट। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-3 और दूंगी, वो आपको खुद करके देखने हैं, ओके।